नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज बिहार की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नंदिनी प्रिया। पटना में अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन जारी, कई छात्र संगठनों द्वारा किया गया प्रदर्शन। अग्निपथ योजना की वापसी मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली लोकसभा सचिवालय में द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन पत्र किया दाखिल। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सीएम योगी सहित जेडीयू एआईडीएम के दल के नेता रहे मौजूद। मुंगेर मंडल कार्य में कोरोना संक्रमित मिला कैदी। कोरोना केस मिलने से जेल प्रशासन में हड़कंप। संपर्क में आए 50 कैदियों को किया गया क्वारंटाइन। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर को मोबाइल पर जान से मारने की मिली धमकी। विधानसभा अध्यक्ष ने चिट्ठी लिख कर दी जानकारी। पटना में अग्निपथ हिंसा के बाद एक्सर में रेलवे पुलिस, हिंसा में शामिल लोगों को रेल पुलिस लेगी रिमांड पर। पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना। मुंगेर में गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर अपराधियों ने किया फायरिंग। वहीं जवाबी फायरिंग में हथियार के साथ दो कुख्यात गिरफ्तार। साथ ही पुलिस ने दो देसी कट्टा, 11 कारतूस, 11 खोखा और 1 किलो गांजा किया बरामद। नवाड़ा में सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। हाईवा की चपेट में आने से हुआ हादसा। सेदला के कमल कुरहा इलाके का है मामला। गोपालगंज में कार से 1350 लीटर विदेशी शराब हुआ बरामद। वही शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। पंचदेवरी चौराहा के पास पुलिस ने की कार्रवाई। बेगूसराय में मकान की छत गिरने से महिला की हुई मौत। बलिया थाना के नगर परिषद वार्ड नंबर 5 की घटना। मधुबनी में महिला का शव मिलने से सनसनी। भेजा थाना के रघुवर संग्राम गांव का है मामला। वही शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमुई में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। झांसा थाना पुलिस ने पिपरा इलाके में की कार्रवाई। बेगूसराय में बोलेरो और ट्रक में भीषण टक्कर। बोलेरो सवार 1 की मौत, वही 6 लोग घायल। साईपुर कमाल थाना के NH 31 की यह घटना। बिहार एसटीएफ को मिली कामयाबी। लखीसराय का कुख्यात नक्सली राजन कोड़ा गिरफ्तार। कई संगीन मामलों में पुलिस को थी तलाश। गोपालगंज में 22 सवार अपराधियों ने हथियार के बल पर CSP संचालक से लूटे 88,000 कैश। लैपटॉप और मोबाइल भी लेकर हुए फरार। थाना के धोबलिया बाजार के पास की घटना। पटना में बेटा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब किया जब्त। चालक और सहचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कार से 27 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। पुलिस को चकमा देकर तस्कर हुआ फरार। सासामुसा इलाके में पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरुआत होते ही अग्निपथ योजना के खिलाफ RJD और भाकपा माले के सदस्यों ने किया जोरदार हंगामा। बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना। वही चंपारण, सिवर, मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल और किशनगंज में भारी बारिश की संभावना। अभी के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपने सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज का ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहे बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज़। नमस्कार।